हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट पार्ट ए ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस फोकसेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। पार्ट बी हाउ वुड यू ऑल्टर द अबव डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस कैन प्रोड्यूस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि हमें एक डायग्राम बनाकर दिखाना है यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस का, जो कि फोकस करता हो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को। और पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि हम ये जो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज कर गई है एक पॉइंट पर, इसे हम ऑल्टर कैसे करेंगे, इसे हम ऑल्टर कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है उन्हें फिर प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर हम एज अ की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए अब हम यहाँ पर रे डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमसे पार्ट ए में कहा गया है कि हमें रे डायग्राम दिखाना है कन्वर्जिंग लेंस का। तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है कुछ इस तरह से। हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। एक प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल लाइन है बच्चों। ये हमारे पास सेंट्रल लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस हो जाएगा हमारा, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे, ये 2F हो जाएगा हमारा। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ भी फोकस होगा और ये 2F हो जाएगा। तो अब अगर बच्चों यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वो इस तरह से आएंगी कुछ, जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी कॉन्वेक्स लेंस पर। और हम जानते हैं कि जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, मींस जो लाइट रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करती हैं, मींस कुछ इस तरह से वो फोकस पर आएंगी यहाँ पर। ये सभी रेज ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पर फोकस पर कन्वर्ज करेंगी, फोकस पर यहाँ पर ये कन्वर्ज कर जाएंगी बच्चों। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं बेसिकली फोकस पर कन्वर्ज कर रही हैं, ये फोकस पर कन्वर्ज कर रही है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया, जहाँ पर हमें दिखाना था कि जो लाइट रेज हैं पैरेलल लाइट रेज हैं वो फोकस होती हैं एक पॉइंट पर। अब हमसे पार्ट बी में पूछा गया है कि हम इसे ऑल्टर कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये जो हमारा फोकस है, यहाँ पर हम एक लैंप रख देते हैं या फिर एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई लैंप रख देते हैं या फिर कोई बल्ब लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो हमारा फोकस है अब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को उसी डायरेक्शन में दोबारा से ये यहाँ पर इस तरह से प्रोड्यूस होने लगेंगी, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो जाएंगी दोबारा से। यहाँ पर ये पहले ये रे कुछ इस तरह से आई थी कन्वर्ज करके, अब ये क्या होंगी, ये इस तरह से दोबारा जाएंगी इसी डायरेक्शन में जब हम लैंप लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पार्ट बी का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो हम हमारे पार्ट बी का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि अगर हम लैंप लगा दें तो जो हमारी लाइट रेज हैं वो ऑल्टर कर सकती हैं यहाँ पर। तो पार्ट बी में हम कह सकते हैं प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स जो हो लाइट का कोई भी, अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस एट द फोकस एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। तो हमें क्या करना है, हमें जो फोकस है कन्वर्जिंग लेंस का उस पर प्लेस कर देना है एक लाइट का सोर्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो एक लाइट सोर्स है उसे फोकस पर रख देना है कन्वर्जिंग लेंस के, तो उससे क्या है वो लाइट जो फोकस हुई है हमारी लाइट वो अल्टर हो जाएगी अब। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।